के अंतर्गत संचालित होने वाले आदिवासी जनजाति विकास विभाग का मनावर विकास खंड संस्था शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बैठकर पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी अमर सिंह वासकेल के द्वारा नियम विरुद्ध हजारों कार्य किए गए और इस कार्यालय में विभाग आयुक्त भोपाल के आदेशों को खुलेआम चैलेंज देते हुए अपात्र लोगों को जिले के सहायक आयुक्त अधिकारी ब्रजेश पांडे द्वारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया गया। वर्तमान में इस कार्यालय में विकास खंड शिक्षा अधिकारी बने हीरा लाल निगवाल, जो काफी जूनियर है और इसे विकास खंड में इनसे अनुभवी व सीनियर कर्मचारियों के होते हुए वह भ्रष्टाचार के चलते विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हीरा लाल को बिठा दिया गया। विभागीय मंत्री के द्वारा छात्रावासों आश्रमों में औचक निरीक्षण भी किया गया और छात्रावासों के अधीक्षक के पद पर होती नियुक्तियों को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया गया, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई का न किया जाना यह अपने आप में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि आदिवासी जनजाति विकास विभाग में भ्रष्टाचार किस तरह अपने पैर पसार कर खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में धार जिला मुख्यालय पर विकास खंड के अंतर्गत संचालित होने वाले ग्राम केसूर के छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक, जिनका मूल पद संविदा अधीक्षक का है, इन्हें इसी पद पर इसी ग्राम में 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ब्रजेश पांडे के द्वारा इन्हें न हटाया जाना ये खुलेआम भ्रष्टाचार को इंगित करता है। लेकिन मनावर की अधीक्षिका ज्योति बाला इजवेल को 3 वर्ष का हवाला देकर हटा दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा रिश्वत नहीं दी गई थी। अभी तक हमारे चैनल DNU न्यूज द्वारा किस प्रकार नौकरशाही पर खादी भारी पड़ रही है और उसका खामियाजा आम जनता एवं भविष्य की आने वाली नस्ल पर किस प्रकार गिर रहा है बखूबी दिखाया गया है। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन एवं आदिवासी जनजाति विकास विभाग के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का आदिवासी जनजाति विकास द्वारा धार में किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही है। शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि विभाग के द्वारा संचालित होने वाले समस्त छात्रावासों एवं आश्रमों में संविदा अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर्मचारी ही छात्रावासों एवं आश्रमों की जवाबदारी संभाले, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते नियम विरुद्ध पैसों के बल पर जिनका मूल पद अध्यापक सहायक शिक्षक का है, वे भारी रिश्वत लेकर पद पर अंगद की तरह जमकर बैठे हैं। इसी कड़ी में धार मुख्यालय पर शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर अपात्र अयोग्य कर्मचारियों को विकास खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया गया और सीनियर अनुभवी कर्मचारी मुंह देखते रह गए। धार जिले में 13 विकास खंडों में अधिकांश विकास खंड में ऊपर शासन के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के विरुद्ध अयोग्य एवं अपात्र लोगों को अधिकारी बना दिया गया। इनमें से कुछ विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को मॉडल स्कूल का प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय का प्राचार्य और विकास खंड के अंतर्गत संचालित होने वाले अधिकांश छात्रावासों, आश्रमों एवं हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी एवं उत्कृष्ट विद्यालय की DTO पावर इन्हीं विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के पास रहते हैं। जिले में ऐसे बने विकास खंड अधिकारियों के द्वारा अंशकालीन दर पर छात्रावासों एवं आश्रमों में अंशकालीन दर पर माली, चौकीदार, रसोई के पद पर 20,000 से 40,000 रुपए की रिश्वत लेकर स्वयं विकास खंड के शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियुक्ति कर दी गई। विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इन नियुक्तियों के लिए अपने से वरिष्ठ अधिकारी आदिवासी जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला पंचायत CO को अंधेरे में रखकर नियुक्ति दे दी गई। एक कथित पत्रकार के द्वारा शिकायत सहायक आयुक्त महोदय के समक्ष की गई तो मात्र सहायक आयुक्त के द्वारा शोकेस नोटिस देखकर इतिश्री कर दी। विकास खंड शिक्षा अधिकारी को उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रभार भी सौंपा गया। इससे आप यह जान सकते हैं कि धार जिले के आदिवासी जनजाति विकास विभाग में पिछले 4 से 5 साल में शिक्षा का स्तर कितने निम्न स्तर पर पहुंच गया है। वैसे भी आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि विश्वस्त सूत्र ने धार आदिवासी विकास विभाग का एक मीनू चार्ट हमें प्रेषित किया है, जिसमें आप पैसा देकर नियम विरुद्ध कुछ भी कार्य करा सकते हैं। अपात्र एवं अयोग्य होने के बाद भी विकास खंड का शिक्षा अधिकारी बनने के लिए 2 से 3 लाख और विकास खंड का शिक्षा अधिकारी बनो। विकास खंड के अंतर्गत संचालित होने वाले समस्त छात्रावासों, आश्रम में अधीक्षक एवं अधीक्षिका बनने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए दो और भले ही आप सहायक शिक्षक हो या अध्यापक, आपको अधीक्षक बना दिया जाएगा।
अतिथि शिक्षक बनने के लिए 5,000 से 20,000 रुपए दो और नियुक्ति पाओ। इसमें एक सहूलियत यह भी है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन पढ़ाओ और बाकी दिन कहीं और भी नौकरी कर सकते हो। इस विभाग में अटैचमेंट करवाने के लिए 25,000 से 40,000 दो और अपनी सहूलियत के हिसाब से अटैचमेंट करवा लो। स्थानांतरण के लिए 50,000 से 1,00,000 दो और भी कई तरह के विभागीय कार्य इसी मीनू रेट के हिसाब से ही होते हैं। वैसे भी उपरोक्त वर्णित कार्य प्रशासन एवं विभाग के द्वारा समय समय पर शक्ति से आदेश पारित होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इन आदेशों को कचरे की टोकरी में डालकर नियम विरुद्ध सारे कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में धार जिला मध्य प्रदेश में नंबर 1 की पायदान पर आता है। जितने भी नियम विरुद्ध कार्य इस जिले में होते हैं, धार जिले में संचालित होने वाले छात्रावास व आश्रम में अधीक्षक के पद पर संविदा अधीक्षक को हटाकर भ्रष्टाचार के चलते सहायक शिक्षक एवं अध्यापक वर्ग से कई कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और इनको इसी पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष से 10 वर्ष तक व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन जिले के मुखिया द्वारा इन्हें हटाना उचित नहीं समझा गया। कारण ये था कि समय समय पर इनके द्वारा जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज किया जाता है, उसी प्रकार इनको समय समय पर मोटी रकम भ्रष्टाचार के रूप में दी जाती है। ऐसे ही धार जिले के 13 विकास खंडों में से अधिकांश विकास खंडों में नियम विरुद्ध अपात्र लोगों को विकास खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है और उन्हें भी उसी पद पर कार्य करते हुए 5 से 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा भी रिश्वत में समय समय पर मोटी रकम दी जाती है, लेकिन उनको नहीं हटाया जाता। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहने को तो इस विभाग का नाम आदिवासी जनजाति विकास विभाग है, लेकिन मुख्यतः गरीब आदिवासी कर्मचारियों का पूर्ण शोषण नौकरशाही के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की नवागत भाजपा सरकार के द्वारा इस विभाग के बनाए गए विभागीय मंत्री इस विभागीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे या वो भी मौन रहकर इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में अपनी मौन स्वीकृत देंगे? धार जिले में इस विभाग में कार्य करने वाले अधिकांश कर्मचारियों को 3 वर्ष से अधिक का समय एक ही जगह पर कार्यरत करते हुए हो गया है, इसलिए यह खुलकर बेफिक्र होकर गरीब आदिवासी जनता एवं जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का खुलेआम शोषण कर रहे हैं। धार जिले के अंतर्गत अभी अभी कुछ समय पूर्व मनावर विकास खंड के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर अपात्र एवं जूनियर कर्मचारी को रिश्वत लेकर विकास खंड का शिक्षा अधिकारी बना दिया गया और इसे विकास खंड के वरिष्ठ एवं सीनियर वरिष्ठ एवं अनुभवी कर्मचारियों को दरकिनार कर दिया गया। धर्मपुरी तहसील में विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर भी ओपी केसरी नामक कर्मचारी को विकास खंड का शिक्षा अधिकारी बना दिया गया, जबकि इसी विकास खंड में श्री बेस एवं श्री गंगवानी ओपी केसरी से सीनियर है, लेकिन ओपी केसरी को विकास खंड का शिक्षा अधिकारी बनाना किस दिशा की ओर इंगित करता है ये आप जानते हैं। संचालित होने वाले समस्त छात्रावासों में संविदा अधीक्षक किस प्रकार नियम विरुद्ध उनको हटा दिया जाता है और किस प्रकार नियम विरुद्ध सहायक शिक्षक और अध्यापकों को छात्रावास अधीक्षक बना दिया जाता है, यह सारा कारोबार रुपयों के बल पर चल रहा है। मेरे साथ राजेंद्र कुमार गुप्ता की यह खबर देखिए। हम धार जिला मुख्यालय आदिवासी जनजाति कार्यालय के बाहर खड़े हैं। धार जिले का ब्यूरो चीफ बोल रहा हूँ DNU यूट्यूब चैनल से। धार जिला मुख्यालय यहाँ पर आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत जिले का मुख्यालय